स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? ए ऑपरेशन ट्राइडेंट, बी ऑपरेशन ट्रोपेक्स, सी मिलन, डी वरुण व्यायाम करें। आंसर सी मिलन। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। मिलन 2024 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भाग लेने वाली नौसेनाओं के 2000 से अधिक कर्मी शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए संबलपुर, बी भुवनेश्वर, सी चेन्नई, डी पटना। आंसर ए संबलपुर। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर SIC का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया। इस कार्यक्रम के बाद ओडिशा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अनुगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ए कतर, बी माल्टा, सी अल्बानिया, डी चिली। आंसर बी माल्टा। एक्सप्लेनेशन, मध्य भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। ISA की स्थापना साल 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी नेपाल। आंसर डी नेपाल। एक्सप्लेनेशन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया? ए नरेंद्र मोदी, बी मनोज सिन्हा, सी अमित शाह, डी बनवारीलाल पुरोहित। आंसर ए नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि MBBS सीटें 500 से बढ़कर 1300 हो गई है। पहले फेज में 750 बेड की व्यवस्था की जा रही है।